देखिए, बिशन देव से संबंधित जो वार्तालाप अपन कर रहे थे और उसकी जो कथा थी, उस कथा को 400 सोपानों में बांटा है। बिशन देव अजमेर के शासक चौहान वंशीय और उनकी धर्मपत्नी जो राजमती का नाम लिया है वो राजा भोज नाम सुना है, जो मालव प्रदेश के धार नगरी के दिखाए। उनकी विवाह लगन सुपारी और उसकी शादी का जिक्र किया है। उसकी कथा क्या थी, कौन बिशन देव और राजमती, जो मैंने आपको बता दी है उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो नरपति नाल ने लिखा है, पहला पद जो दिया है, सबसे पहले कोई भी कवि वो क्या करता है, मंगलाचार। मंगलाचारण का मतलब कि अपने काम को करने से पहले वो गणेश जी की वंदना करता है। आप भी, हम भी, सारे लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान कोई विघ्न बाधा नहीं आए, हमारा काम मतलब पूरी तरह से निर्विघ्न पूर्वक हो जाए, यही कहते हो ना। तो यहाँ भी नरपति नाल ने निवेदन किया है, गणेश जी को ही मंगलाचारण के रूप में रखा है, गणेश जी को ही मंगलाचारण के रूप में रखा है उन्होंने। और एक सरस्वती, क्योंकि सरस्वती भी क्या है, बुद्धि की दायनी है, तो फिर सरस्वती की भी वंदना की है, गणेश जी की भी वंदना की है, दोनों को ही मंगलाचारण के रूप में रखा है। तो देखिए, पहला पद क्या बोलता है कि गौरी का नंदन त्रिभुवन सार नाद भेदई धारई उधर भंडार, एक दंत मुख झल हलई मुसकाऊ वाहन तिलक सुंदूर कर जोड़ी नरपत बनई जड़ कर रोहिणी तपई सूर घूणई देशम के रवि तले। मैंने पहले कहा था आपको कि ये भाषा आदिकाल की है और आदिकाल की जो भाषा है वो डिंगल और मिंगल मिश्रित भाषा है, इसलिए इन शब्दों को अर्थों में समझने में दिक्कत है, लेकिन पूरे पद में से आप 2-4-5 अर्थ भी समझ जाएंगे ना तो उसी से वो कड़ी पकड़ान आ जाती है। और जब अगर नहीं पकड़ान आए शब्दों के अर्थ तो फिर आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, आप व्याख्या भी नहीं कर सकते, व्याख्या जब भी होगी जब इन शब्दों के अर्थों को समझोगे। अरे ऐसा नहीं है कि भाई जो पद पढ़ा है उसके प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको पता हो, नहीं, उसमें से अगर 25% भी आप समझ गए ना तो उसी के आधार पर पूरी गणित बैठ जाती है। लेकिन और सबके सब आते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन यहाँ क्या दिया है, देखो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की है नरपति नाल ने और निवेदन किया है गणेश जी से कि हे गणेश जी, मैं जो काव्य रचना कर रहा हूँ ना, किसकी, बिशन देव राजा और राजमती के प्रेम गाथा का जो चित्रण कर रहा हूँ, इसमें कोई कमी रह जाए तो उसको तू पूर्ति कर देना और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे तू माफ कर देना। अब क्या दिया है, देखिए, गौरी का नंदन, गौरी का, गौरी का नहीं लिखा है, गौरी का, लेकिन बंगाल भाषा में है इसीलिए गौरी का लिखा है, लेकिन गौरिका का मतलब वही है गौरी का नंदन, गौरिका का मतलब है गौरी कि गौरी का नंदन, नंदन मीन्स पुत्र, त्रिभुवन सार, त्रिभुवन का मतलब तीन लोक, सार इसका मतलब कि हे गौरी नंदन गणेश जी कि तीनों लोकों में तेरा ही सहारा है, बाकी और कोई सहारा नहीं है। भाई अपनी काव्य की रचना कर रहा है और अपनी काव्य की रचना करते हुए गणेश जी की वंदना कर रहा है, इसीलिए गौरी का नंदन त्रिभुवन सार कि हे गौरी नंदन गणेश जी कि ये त्रिभुवन जो संसार है ना, तीन लोक जो है इनमें कोई सार नहीं है, सार है तो किसमें है, आप में है, इसीलिए मैं सर्वप्रथम आपको काव्य रचना से पहले मैं आपको मंगलाचारण के रूप में रख रहा हूँ, तो जो भी विघ्न बाधा मेरी आए ना उस सबको दूर कर देना। क्या कहा है, नाद भेदई धारई उधर भंडार, नाद भेदई
वेद ही का मतलब है भेद, और भेद का मतलब है तत्व से, और नाद मतलब होता है नाद सौंदर्य, नाद नाद का मतलब होता है आवाज, नाद का मतलब क्या होता है आवाज होती है कि नाद वेद ही था रही का मतलब आपके क्या गया उधर, उधर माने पेट, और भंडार का मतलब भंडार खजाना, कि ये जितने भी संसार के जो तत्व है ना वो सारे के सारे तत्व आपके पेट अर्थात आपके उदर में समाहित हैं, आपके उदर में समाहित हैं सारे के सारे तत्व। क्या दिया है एक दम तई मुखी, एक दंत तो जानते हो कि गणेश जी के एक दंत है, तो एक दंत तई मुखी झल हलई, कि आपके मुख में जो एक दंत है ना वो बहुत अति सुंदर लगता है, जो हमेशा झिल मिलाता रहता है। एक दंत ही गणेश जी क्या दिया है मुस्कऊ बाहर तिलक सिंधु, मुस्कऊ बाहर इसका मतलब है कि मूसा आपका बाहर है, और क्या दिया है कि बाहर तिलक सिंदूर, और आपके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा हुआ है। आगे क्या दिया है कर जोड़ी नरपति बने, कर जोड़ी, कर माने होता है हाथ, जोड़ी माने जोड़कर, कि अपने हाथों को जोड़कर नरपति बने, बने मीन्स होता है कहना, कि नरपति कहता है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि जान कर रोहिणी तपैसु, जान कर क्या दिया है जानी करी रोहिणी तपैसु, कि आपका प्रभाव संसार में ठीक उसी तरह फैला हुआ है कैसे जैसे रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का तेज फैला होता है ना, उसी प्रकार आपका तेज भी संसार में उसी तरह से फैला हुआ है। क्या दिया है भुवन नई देसौ रे रवि तले, भुवन भुवन का मतलब है संसार, क्या दिया है देसौ कि जो देश है जितने भी देश हैं संसार में उस सब में रवि तले, कि जिस प्रकार रोहिणी नक्षत्र में सबसे तेज सूरज क्या होता है प्रकाशवान होता है ना, ठीक उसी प्रकार पूरे संसार में तेरे ही तेज का सूरज चमकता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मेरी कोई गलती हो, मेरे काम में कोई निर्विघ्न जो बाधा आए वो निर्विघ्न पूर्वक चली जाए, इसलिए अपने काम को करने से पहले गणेश जी की वंदना की है, बाकी कल पर आएगा।